सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त वी के वाई और आप दिख रहे हो वी के वाई गेमिंग स्टार जी। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली आ चुका हूँ आप लोगों को 2.8.3.2 का जो रियल WCC2 का नया अपडेट आया उसका फुल रिव्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी एक वीडियो बना के कि भाई लोग देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक 18 से 25 या 20 के बीच में आप लोगों को एक अपडेट देखने को मिल जाएगा। और बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था कि भाई तू क्या डेवलपर है क्या, तू नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया का कंपनी का है। तो गाइस देखो यार, कुछ बात करके या कुछ सोच समझ के आप लोगों को बताया करता तो यार ऐसा मत बोला करो कि यार कि भाई तू फेक बता रहा है, अच्छा है कि वह अनाज शनाब किए जा रहा है। सो गाइस चलिए, मैं आप लोगों का पूरा का फुल रिव्यू वीडियो आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड कर देता। तो गाइस यहाँ पे मैंने गेम को फाइनली ओपन कर लिया अपडेट करने के बाद। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैंने टूर्नामेंट्स के अंदर देखता हूँ उसके अंदर क्या कुछ ऐड हुआ है या नहीं, या वैसे का वैसे ही है। सो गाइस अगर चैंपियनशिप के अंदर देखते हैं तो गाइस यहाँ पे जैसे का था जैसे वैसे का ही है। सीरीज के अंदर अगर हम देखते हैं तो गाइस सारे के सारे सीरीज वैसी है। लीग के अंदर अगर देखते हैं तो गाइस यहाँ पे सारे के सारे लीग वैसे के वैसी हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरफेस के अंदर अगर और कहीं चेंजेस देखेंगे तो गाइज़ यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता, जैसा सिंपल था सा पहले से था वैसे ही है। क्वालिफायर राउंड कंप्लीटेड करके अभी लिख के आ रहा है। सो गाइज़ अब मैं आप लोग क्विक मैच प्ले करके दिखाता हूँ। क्विक मैच प्ले के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर मुझे अपोनेंट टीम बोल रहा है सिलेक्ट करने को तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपने मैच को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ गाइज मैच कंडीशन स्पेंड कॉइन्स कर दिया मैंने और कॉइन करने के बाद। सो गाइज अब आप लोगों को देखता हूँ इसके अंदर जो इन लोगों ने बोला था कि वो क्या बोलते हैं गाइज, हाँ जो जो कीपर है गाइज उसके अंदर हेलमेट या कभी कभी वो कैप पहनेगा, क्या यह फीचर दिखाई दे रहा है गाइज इसके अंदर? अभी चलिए अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके अंदर मुझे लग रहा है गाइज कुछ एनिमेशन भी ऐड हुआ होगा क्योंकि ये कंपनी जो रहती है गाइज हमेशा हमें बिना बताए ही कर देती है सारे काम। सो गाइज यहाँ पे मैंने टैप टू कंटिन्यू कर देता हूँ। अब टैप टू कंटिन्यू के बाद जैसे पहले से जैसे हमारा था टॉस का सिस्टम वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। सो गाइज यहाँ पे हेडसेट टेल्स यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ गाइज बॉल लेके देखता हूँ क्योंकि यार मुझे वो वाला सिलेक्ट करके देखना है ताकि मैं देखूँ उसके अंदर जो है गाइज अगर है या नहीं जो कीपर पहन के आता है कि नहीं हेलमेट। सो गाइज यहाँ पे हमारा नेशनल एंथम का फीचर अभी देखने को मिलता है। नेशनल एंथम के फीचर के अंदर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया हूँ। अब यहाँ पे स्किप करने के बाद इसको भी स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो गाइज जैसे ये पहले से ये आप लोगों को दिखाई देता था फिर से वैसे का वैसे ही है। टैप टू कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे बैट्समैन की एंट्री हो रही है जैसे पहले था वैसे का वैसे ही है। अभी भी एट प्रेजेंट मुझे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है गाइज। सो गाइज ये वाला है जो वैसे का वैसे ही है। सो गाइज मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कुछ एक बड़ा सा अपडेट कंपनी ने दिया है या ट्राई किया है देने की। यार मुझे मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ यार इस अपडेट से। फिर भी देखते हैं यार कुछ अगर अलग कुछ इसके अंदर अपडेट के अंदर दिख के निकल के आता है तो। गाइस अभी तक तो अगर आप लोग गौर से देखोगे तो जो कीपर है यार उसने ना हेलमेट पहनी है और ना कैप पहन डाल के रखा है। तो गाइस यहाँ पे पता नहीं ये कंपनी कैसे बोल रही थी। हाँ लेकिन गाइस इन लोगों ने एक बात और मेंशन किया है कि इसके अंदर इन लोगों ने जो द बग्स को था गाइस उसको यार फिक्स कर दिया है। सो गाइस अब यहाँ पे देखते हैं क्या अगर आगे चल के कहीं यार आगे अगर 50 ओवर का अगर हम लोग मैच करते तो शायद उसके अंदर ये जो बैट्समैन ये है ये जो है जो कीपर हमारा जो है वो पहन के रहे अगर शायद आगे चल के मैचेस में देखने को मिल सकता था। गाइस मैं थोड़ी सी बैटिंग करता हूँ अब और बैटिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है इसके अंदर और क्या कुछ बैटिंग के अंदर भी कुछ चेंजेस हुआ है। नहीं गाइज अगर मैं गौर से देखोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहा है। जैसे कीपर जैसा पहले था वैसी का वैसी पहन के रुका हुआ है, ना कुछ पहना है ना कुछ किया है। सो गाइज यहाँ पे मैंने कर दिया ऑटो प्ले। अब ऑटो प्ले करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी बैटिंग को लेके आता हूँ और क्या मुझे वो फीचर फिर से देखने को मिलता है देखना दिलचस्प रहेगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपने बैट्समैन को बुला दिया, आई मीन टू से बैट्समैन जो है एंट्री कर चुके हैं। और अगर आप लोग गौर से देखोगे गाइज तो यहाँ पे आप लोगों को कीपर ने हेलमेट पहन लिया है। जी गाइज हेलमेट पहन लिया है। गौर से देखो गाइज ऊपर की तरफ, अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखोगे तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने ये बैट्समैन ने हेलमेट पहन के रखा हुआ है। यानी कि गाइज ये फीचर हमें इसके अंदर अभी देखने को मिल रहा है जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऊपर की तरफ देखो गाइज, गौर से देखना गाइज उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। अगर आप लोग जो है कीपर को अगर देख रहे हो तो गाइज उसके अंदर मेरे को एकदम ध्यानपूर्वक अगर देखोगे तो गाइज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और पहले जो था ये गाइज जो है ये गाइज एक खुशखबरी है कि गाइज इसके अंदर जो पहले जो ये था क्या बोलते हैं गाइज, हाँ
फायरवर्क्स का फीचर गाइस वो पहले हमें इसके अंदर नहीं देखने को मिलता था अगर 5 ओवर का पर मैच खेलते तो। अब इसके अंदर भी 5 ओवर के अंदर भी हमें ये फायरवर्क्स का फीचर देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है यार। तो इसी बात पे यार एक लाइक बनता है गाइस, लाइक ठोक दो यार। अब और मैं एक बड़ी वाली रिव्यू वीडियो देखूंगा, अगर कौन सा अगर मिसिंग फीचर है तो मैं आप लोगों को जरूरी बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करो, होप करता हूं गाइस आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कमेंट कर देना। दिस इज वीके बाय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर एंड यार बाय बाय, लाइक कर देना।